आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था। वहीं न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड से मिले 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के सलामी जोड़ी मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। दोस्तों, मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। इस दौरान बल्लेबाजी करने उतरे दोनों ही बल्लेबाज ने पाकिस्तान के लिए अर्धशतक जड़ा। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 गेंदों में 53 रन जोड़े, जिसमें कि 7 चौके शामिल है, जबकि मोहम्मद रिजवान के बल्ले से इस मुकाबले में 43 गेंदों में 57 रन निकले, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने बेहद ही शानदार शुरुआत दिलाई और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ऐसे ही मजेदार खबरें सुनने के लिए क्रिकेट न्यूज कास्ट को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।